तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत अकाने के पास्ट से होती है, जहाँ पे वो पहली बार रुरीहिमे से मिलती है। रुरीहिमे उसे जूं जूं बुलाती है, तो अकाने भी उससे बोलने लगती है कि वो किसी मामले में उससे बात करना चाहती है। अब इसी तरह अकाने अब प्रेजेंट में ईता के सामने खड़ी होती है, जो कि रुरीहिमे का करेक्टर प्ले करता है इन गेम में। हाँ यार, अकाने अब एक बार फिर से उससे बोलती है कि वो किसी मामले में उससे बात करना चाहती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ईता और अकाने एक साथ बेंच पे बैठे होते हैं और साइड पे मोनोचा भी खड़ी होती है। बहरहाल ईता उससे बोलने लगता है, वेल जिस तरह से तुम मुझसे बात करने आई हो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कन्फेस करने वाली हो। अकाने उससे माफी मांगती है कि वो इस तरह की उससे वाइब दे रही थी। खैर यार, अब यूं ही 10 मिनट गुजर जाते हैं। अकाने मेन पॉइंट पे नहीं उतर पाती, तो साइड से मोनोचा बोलती है कि दरअसल अकाने को किसी से प्यार हो गया है। सुद्देसार ईता फौरन से समझ जाता है कि वो शख्स कौन होगा जिसके प्यार में अकाने मरती चली जा रही है। अकाने यहाँ पे क्रेजी तरीके से ब्लश करने लगती है। ईता यहाँ पे बोलने लगता है, वाकई में दिल पे छू जाने वाली मोमेंट है ये। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। खैर, जब मैं तुमसे पहली बार गेम में मिला था, तुम काफी अकेली थी। वाकई में तुम्हारा हशर नशर एक हुआ होता जब से तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ठुकराया था, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने। अब यहीं पे मोना बोलती है, हाँ उस बात को लेके। अकाने अभी भी सोचती है कि उससे क्यों छोड़ दिया उसके बॉयफ्रेंड ने। अब अकाने उससे बोलने लगती है, वैसे वो ये जानना चाह रही थी कि अगर उसमें कोई गलती है तो वो उसे दोबारा ना करे। अकाने उससे बताती है, मैं जब तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ईता, मुझे इन गेम में रुरीहिमे की याद सताने लगती है। मुझे इस तरह से लगता है कि चाहे मैं तुमसे दुनिया की किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती हूँ, अगर मैं सच कहूँ तो मोनो और तुम रुरीहिमे बस तुम दोनों ही हो। जिस वजह से मैंने चाहा कि सबसे पहले मैं तुम दोनों को बता दूं कि किससे मैं प्यार करती हूँ। ईता को जान के रिलीफ फील होता है और अब वो बोलने लगता है, जिस शख्स से तुम प्यार कर बैठी हो उसे मैं सालों से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें पता है, चाहे वो जरूर इनसेंसिटिव क्यों ना हो, उसका दिल काफी बड़ा है। तो तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, बस जो तुम हो उसी तरह रहो। तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके लिए भी ज्यादा बेहतर होगा, और फिक्र मत करो, अगर उसने तुम्हें ठुकरा भी दिया तो मोनो और मैं तुम्हें अपना कंधा पेश करूंगा। वो दोनों अब उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं, जा शिन्नी और अपने दिल की बात बता दे। काने उनका शुक्रिया कहते हुए यहाँ से चली तो जाती है। इसके बाद मोनो ईता को अप्रोच करते हुए कहती है, मेरा नाम है मोनो, 20 ईयर्स ओल्ड, और मैं सीरियसली मुझे किसी हस्बैंड की जरूरत है। हानिया काने पे जाती है, जो कि भागते हुए यमदा के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी होती है। उसके मन में डेरो सारे सवाल होते हैं। काने सोच रहे थे कि कब और कैसे उससे प्यार हो गया उस शख्स से, वो तो उसे याद नहीं, और वो जितना मर्जी सोचे उसे याद तक नहीं आ रहा। पर हाँ, मैंने खुद को इतना जरूर धोखे में रखा कि वो शख्स मेरे लिए सिर्फ दोस्त की अहमियत रखता है। ज्यादा मुस्कुराता नहीं है, लेकिन वो जब भी मुस्कुराता है मेरे दिल को मुस्कुराने पे खुद मजबूर कर देता है। काने ठोकरे खा खा के आगे बढ़ी होती है कि उससे अपनी दूसरी ठोकर याद आ जाती है, कैसे वो भागते भागते यमदा से पहली बार टकरा के मिली थी। थोड़ी देर में अकाने उसके अपार्टमेंट में पहुंच तो जाती है। यमदा से मिलने के बाद वो उससे बताती है कि वो उससे एक जरूरी बात करना चाहती है, मगर इसके साथ ही साथ उससे इतना भी जरूर मालूम पड़ता है आज यमदा काफी ज्यादा बिजी है। फिलहाल तो यमदा अकेडमी जा रहा है और उसके लिए उसे स्टेशन तक पहुंचना होगा वक्त पे। फिलहाल तो वह अकाने को अंदर आने के लिए कहता है, मतलब कहता तो क्या है, बस फौरन से पीछे से दरवाजा बंद करके लॉक कर डालता है। अकाने से फिर बोलता है कि वो कपड़े चेंज कर रहा है, तुम यहीं पे रुको। से भी कपड़े बदलता देख के अकाने फौरन से पीछे मुड़ जाती है। कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अब स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में यमदा उससे बोलता है, तुमने जो बोलना है वो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अकाने अब थोड़ा कंफ्यूज होती है कि वो चलते हुए पब्लिक एरिया में कैसे इस बात को सामने लाए। इस कदर इस सोच में गुम होती है कि उसे मालूम तक नहीं पड़ता कब ग्रीन लाइट से रेड लाइट में बदल गई है कि वो यहाँ तक गाड़ी से टकराने को भी जा रही होती है कि यमदा एनी मौके पे उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। यहाँ तक यमदा इसके बाद अकाने का हाथ पकड़ के उसे रोड क्रॉस करवाता है। तब देख के अकाने उसकी काइंडनेस के आगे अपने घुटने झुका देती है और वो सोचती है कि शायद से उसे ये नहीं बताना चाहिए जो उसके दिल में है। थोड़ी देर में वो लोग ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। यमदा उससे माफी मांगता है कि वो उसकी बात को नहीं सुन पाया। तो अकाने उसे बोलती है, नहीं कुछ नहीं, बस शायद से मेरे दिमाग में ही कुछ और चल रहा था। यमदा जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में वो वापस से मुड़ के अकाने की तरफ आता है और उससे बोलता है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात थी? पर अकाने एक खुशगवार सा चेहरा बना के अपनी पॉजिटिव सी वाइब शेयर करती है। इस पर अब यमदा भी मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ अकाने चुपचाप वहाँ से बस चली जाती है उसे गुड बाय कहते हुए। और इसी समय अब यहाँ पे बारिश भी शुरू होने लगती है और यूं ही अपनी क्लासेस लेने के बाद अब वक्त आ जाता है घर जाने का। यहाँ पे अकाने तो अपनी अम्ब्रेला लाया होता है, लेकिन सुबाकी और उसका दूसरे दोस्त के पास नहीं होती। मौका देख के यमदा और सुबाकी का दोस्त वो सुबाकी को राजी करने लगता है कि जरा सोचो, तुम उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करो मेरे बजाय, ये तुम्हारे लिए एक सोने पे सुहागा मौका होगा। वो करना तो नहीं चाहती होती, लेकिन उसका दोस्त उसे काफी इंसिस्ट करता है।
दूसरे सी में हम देख पाते हैं यामादा और सुबाकी अब दोनों अम्ब्रेला शेयर करके घर जा रहे होते हैं। जाते जाते यामादा की नजर अकाने पे पड़ती है जो कि अम्ब्रेला लेके घर जा रही होती बड़ी तेजी से। बस यामादा उसकी तरफ ही घूरता रहता कि तभी उसे मालूम पड़ता कि वो अकाने नहीं है बल्कि अकाने जैसे दिखने वाली एक और लड़की है। सुबाकी भी अब पूछने लगती है क्या तुम उस लड़की को जानते हो, कितने गौर से देख रहे थे। तो यामादा इस पर मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता। थोड़ी देर में यामादा का दिमाग शायद से अकाने की तरफ ही खो चुका होता है। सुबाकी को अम्ब्रेला देते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे बिना यहाँ से जाओ और मुझे कहीं पे जाना है। ये कहते हुए यामादा तेजी से बाकी यहाँ से जाने लगता है। सुबाकी भी उसे रोकने की कोशिश करती है और उल्टा उसके पीछे भागने लगती है। देखते देखते सुबाकी किसी शख्स से टकराती है और इसी में उसकी ग्लासेस भी नीचे गिर जाती है। बाकी की विजन अब काफी ब्लरी से हो जाती है। वो अपनी ग्लासेस ढूंढ रही होती है मगर उससे नहीं मिलती। थोड़ी देर में यहाँ पे यामादा आके उससे उसकी ग्लासेस देता है और वो आवाज से पहचान लेती है कि ये यामादा है। भीगती हुई बारिश में अब गलती से सुबाकी के मुंह से निकल जाता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब इसके मुंह से गलती से निकल जाता है तो सुबाकी यहाँ पे रोने लगती है। उसके दिल में काफी सारी फीलिंग्स होती है, मिक्स फीलिंग भी। एक तरफ रिग्रेट होता है और एक तरफ उससे शायद से यामादा से दूर जाने का भी गम होता है। अब उसके मुंह से बात निकल ही गई होती है तो सुबाकी दोबारा से बोलती है, यामादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये कहते हुए सुबाकी अब मजीद रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, तुम पे बटन दाने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर मैं चाहूंगी कि आज तुम मेरे बारे में जरूर सोचो, चाहे एक दिन ही सही। दूसरे सी में अकाने को यामादा की तरफ से टैक्स आता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि आज रात मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता, किसी और दिन तुम्हारी बात सुनूंगा। दूसरे सी में यामादा अब रूना को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। ईता पूछने लगता है, ओ यामादा क्या आज तुम्हें किसी लड़की ने कन्फेस किया है। यामादा इस पर हाँ ही बोलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। यहाँ पे ईता को तो लग रहा है कि अकाने ने उसे जरूर कन्फेस किया होगा पर उसे मालूम नहीं होता। असल में उसे कन्फेस सुबाकी नाम की दूसरी लड़की ने किया होता है। अरे यार, अब एक और सी में हमें दिखाया जाता है यामादा अकाने को कॉल करता है मगर उसका नंबर बंद जा रहा होता है। तो यामादा उल्टा उसके ग्रोसरी स्टोर ही पहुंच जाता है जहाँ पे अकाने पार्ट टाइम जॉब करती होती है। यामादा यहाँ पे उसे पर्सनली माफी मांगने आया होता है कि कल वो उसे मिलने ना आ सका। अकाने इस पर उसे बताती है, फिक्र मत करो, वो इतनी जरूरी नहीं थी, वैसे भी मैंने मोनो को भी समझा दिया इस बारे में। और यहाँ पे यामादा काफी डाउन सा होता है तो अकाने से पूछती है, अब तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। जिस पर यामादा बोलता है, शायद से काम ही काफी ज्यादा है। सबके बाद अकाने उसे बताने लगती है कि गेम में तुम लॉगिन भी नहीं हुए। मैं तुम्हें बेदर्दी से बताना चाह रही थी कि मैंने एक बहुत गंदी किस्म की वदिया किस्म की शॉट खरीदी है। जिसके बाद यामादा उसे पूछने लगता है, तो अच्छा उसका लेवल क्या है। इस बारे में अकाने का कोई आइडिया तक नहीं होता तो वो अपनी शॉट को अपने करेक्टर समेत यामादा के हैंड पे ड्रा कर देती है क्योंकि यामादा का मूड काफी ऑफ ऑफ सा लग रहा होता है। तो अकाने उसे ये सब कुछ चेयर अप करने के लिए कर रही होती है। उससे कहती है, फिर से पहले जैसे मिस्टीरियस यामादा बन जाओ। सुनने के बाद यामादा कहने लगता है, तो अच्छा मैं लोगों को इस तरह से दिखता हूँ, खैर मैं इसलिए ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि मुझे डर होता है कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, जब पता नहीं चलता कि लोग इस वक्त क्या फील करें और क्या सुनना पसंद करेंगे। तो इस पर अकाने बोलने लगती है, तुमने मेरी काफी बार मदद किया है, चाहे जरूर हमारे साथ होते हो और ज्यादा बातें नहीं करते मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं तुम हमसे बात नहीं करना चाहते, तुम हमेशा से हम पे नजर रखते हो और मदद करने के लिए तैयार होते हो, तुम एक वाकई में काफी मजेदार और दिलचस्प पर्सन हो। अकाने उससे बोलती है, जितने भी अल्फाज मैंने तुम्हारे बारे में इस वक्त किया वो सब के सब दिल से, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। और फिर इसी में रात का अंधेरा हमारे सरों पे टूट आता है और आखिरी सी में हमें दिखाया जाता है यामादा काफी रात में सुबाकी से बाहर मिलने जाता है जहाँ पे सुबाकी उसका पहले से इंतजार करी होती है। इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।